अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? आज हमने कुछ रील्स करनी है, ये पहले कुछ की हुई है, तो अभी कुछ और भी एंटर करनी है। ये सास कंपनीज की रील्स हैं, ठीक है? इसमें क्या क्या डाटा फंड करना, कहाँ से करना है, वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले ये आप शीट देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है? यहाँ पे VC यानी कंपनी का नेम आ जाएगा, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का लिंक्डइन, कंट्री आ जाएगा, कंट्री USA की होनी चाहिए, ठीक है? फोकस यानी इंडस्ट्री, ये आपको क्रंच बेस से मिल जाएगा, ठीक है? स्टेज कौन सी है, लास्ट है, अर्ली है, सीड है, जो भी होगी, ठीक है? AUM एस्ट अंडर मैनेजमेंट आ जाएगा, ठीक है? और इसके बाद पोर्टफोलियो मतलब नंबर आ जाएगा उसका, इन्वेस्टर का नंबर जो होते हैं वो क्रंच बेस के ऊपर शो हो रहे होते हैं, वो आ जाएंगे। अगर सीड है तो यहाँ पे टिक मार कर देना, अगर अर्ली है तो स्टेज वो टिक मार, सीरीज ए, सीरीज बी, लेटर स्टेज, ये वो लास्ट में जो है वो है पर्सन। पर्सन में तो वही है, अपने पर्सन का फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, यहाँ पे एंटर करना है, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, ठीक है? उसका टाइटल, टाइटल में यानी कि डिसीजन मेकर ही होने चाहिए, CEO हो गया, को फाउंडर, फाउंडर ये ओनर है, इस तरह के होना चाहिए। उसकी ईमेल वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है? एक्सटेंशन से, गूगल से, क्लियरबिट से ये मिल जाएगी उसको, और इसका लिंक्डइन होना चाहिए। यहाँ पे आपने दो पर्सन, यहाँ पे आपने दो पर्सन ऐड करने हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने सिर्फ और सिर्फ दो पर्सन ही ऐड करने हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं ये डाटा फाइंड कहाँ से होगा। ये आपके पास इस तरह एक लिस्ट आ रही होगी, ठीक है? ये लिस्ट है आपके पास, इसको अपने क्या करना है, ये यहाँ पे आपके पास 10 शो करवा रहा होगा, ठीक है? लेकिन आपने इसको 100 कर लेना है, ठीक है? 10 होगा तो सिर्फ 10 शो होंगे, अगर 100 कर लोगे तो ये पूरी 100 ये आपके पेज के ऊपर शो होगी। इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आप है ना ये इसको नेक्स्ट जब 200 पे जाओगे तो आपको आसानी होगी जाने के लिए। अगर यहाँ पे देखो 100 अगर नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे 200 हो जाएगी, ये देखो, ठीक है? अगर नेक्स्ट और करोगे तो 300 हो गई, ठीक है? इस तरह करोगे तो ये क्योंकि 100 100 100 ही करनी है आपने, तो इसलिए आपको आसानी होगी, ठीक है? तो ये हो गया क्लियर, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने कोई भी एक कंपनी उठा ली है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है? उसकी डोमेन हमने वहाँ से उठा ली थी, ये हमारे पास कंपनी आ गई है, ठीक है? ये हमारे पास एक कंपनी आ गई है, इसका हम डाटा देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ठीक है? ये और क्रंच बेस के ऊपर आपने कैसे जाना है ये हम देखते हैं, ठीक है? आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो आइकॉन आ रहा होता है आपके जिस नेम से आपने मेल बनाई होती है ना, उसके नेम पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल या स्मॉल जो भी होता है वो शो हो रहा था, तो इसको आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना, गेस्ट के ऊपर चले जाना, ठीक है? गेस्ट के ऊपर करो, क्लिक करोगे तो आपको ये ले जाएगा यहाँ पर, ठीक है? या आपको क्रंच बेस में ये एक सिंपल यानी के बगैर ईमेल के क्रोम ओपन हो गया। यहाँ पे क्रंच बेस को आपने लॉगिन नहीं करना होगा, प्रीमियम नहीं मांगेगा, यहाँ पे सिंपल आपने डोमेन एंटर करनी है और यहाँ पे आपने क्रंच बेस लिख देना और इसको कर लेना है सर्च। ये फर्स्ट आपके पास क्रंच बेस का लिंक आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी वो हम देख लेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमें ये USA की होनी चाहिए, ठीक है? और इसका जो AUM आ रहा है यहाँ से आपने 9 मिलियन ये एंटर कर देना, ठीक है? और ये कॉन्टैक्ट ये कहाँ से, ये कौन सी चीजें मैं बताता हूँ आपको, ये 6 जो है, ठीक है? ये एक चीज ये आपने यहाँ से उठानी है, सीरीज अननोन, ये अननोन दे रहा है तो हम इसको फाइंड करेंगे, और ये इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री फोकस और इंडस्ट्री यहाँ से आपने उठा लेनी है, ठीक है? और ठीक है, अब हमें डोमेन यहाँ पे एंटर करनी है और यहाँ पे हमने लिखना है
यहाँ पे गूगल से हमने फाइंड कर लेनी है जो चीजें वहां पे क्रोम में है, ठीक है, वो नहीं आ रही। यहाँ पे सीरीज देख लेते हैं मिलती है कि नहीं मिलती, ठीक है। ये हमारे पास सीरीज आ गई है, ठीक है। तो ये सीरीज बी है, ये देखो ये हमारे मिल गया यहाँ से, ठीक है, ये सीरीज बी मिल गया हमें यहाँ से, देख रहे हो। ये हमने डोमेन एंटर की है, क्रंच बेस लिख और आगे सीरीज लिख दी। कौन सी सीरीज है? ये बी सीरीज है, ठीक है, बी सीरीज, ठीक हो गया। ये हम एंट्री कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं देख आपको बताता हूँ इसका लिंक्डइन, ठीक है। यहाँ से हमने इसका लिंक्डइन उठा लेते हैं। ये क्रंच बेस भी आपको इसका लिंक्डइन दे देगा, ठीक है। ये लिंक्डइन उठा लिया, इसको हम दूसरे क्रोम में लेकर जाते हैं। अब ये हमारे पास आ गया जी लिंक्डइन, ये इसके एम्प्लॉय पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अबाउट में जाओगे ना आप, तो वहां से मैं आपको दो चीजें मिल जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो हमें यहाँ से आपको जो उठाना है वो है अबाउट में से, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ लिंक्डइन चाहिए। और अभी सीरीज कौन सी थी? वो सीरीज वो थी बी, ऐसे ही था ना जब मैंने आपको दिखाया था, वो सीरीज कौन सी थी? बी। तो यहाँ पे हमने बी के ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डाटा फाइंड करके देखते हैं, ठीक है। तो कंपनी का नेम हमने उठा लेना है सबसे पहले, ये आ गया कंपनी का नेम आ गया, ओके, ये कंपनी का नेम आ गया। और ये कंपनी की डोमेन आ जाएगी यहाँ पर, और सिर्फ आपने डोमेन ही एंटर करनी है, यूआरएल या इसके आगे पीछे कोई चीज नहीं होनी चाहिए। डोमेन आपको पता है www. के बाद से लेकर .com तक होता है, ठीक है। और आपने डुप्लीकेट नहीं एंटर किया। डुप्लीकेट कैसे नहीं होगी? ये आपने देख रहे हो, अगर डुप्लीकेट होगी तो ये रेड हो जाएगी, ये फिल्टर हमने लगाया हुआ, ठीक है। तो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, और डोमेन आपने इस तरह एंटर करनी है, ठीक है। इसके बाद हमने लिंक्डइन इसका पुट कर देना है, ये इसका लिंक्डइन आ गया, ठीक है। ड्रेस था जो वो यूएसए का ही था, ये टैक्स यूएसए ही में आता है, यहाँ से भी हम देख लेते हैं टैक्स यूएसए, ठीक है। तो यूएसए को ही हम नीचे कॉपी करके दोबारा इसको कर देंगे। अभी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कहाँ से मिलेंगी ये मैं आपको बताता हूँ। इंडस्ट्री 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 ये रही इंडस्ट्री, ये वाली, ठीक है। ये आपने तीनों कॉपी करनी, जितनी भी क्रंच बेस के ऊपर आ रही होंगी वो आपने कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये हमारे पास इंडस्ट्रीज आ गई है, ठीक है। तो इसको अब हमने क्या करना है, इसको सेट करना है यहाँ पे इस तरह से, ठीक हो गया। तो सीड नहीं था हमारे पास, आ रहा था सीरीज बी आ रहा था, ऐसे ही था, ठीक है। तो सीरीज बी आ रहा था, तो बी के ऊपर हमने अभी टिक कर देना है, ठीक है। ये बी के ऊपर हमने टिक कर दिया, और बाकी डाटा हम वहां से देखते हैं कौन सा हमें चाहिए, ठीक है। और हमें यहाँ से चाहिए इसका ये वाला AUM, ठीक है, सिक्स। ये सिक्स कहाँ पे एंटर करना है? ये कॉन्टैक्ट है एग्जिट, यहाँ पे आ रहा हो कॉन्टैक्ट आ रहा हो या एग्जिट आ रहा हो, ये आपने कहाँ पुट करना है ये मैं आपको बताइए। इसके ऊपर क्लिक किया, ये हमने इसका टोटल यहाँ से उठा लिया, ठीक है। और इसके बाद ये हमने सीरीज बी भी यहाँ से हमने इस कंपनी की हमने सर्च की थी, तो ये अब कहाँ से हमने इनको गूगल शीट में चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने आके सीरीज, कौन सी सीरीज थी? बी, ठीक है। ये नंबर ऑफ पोर्टफोलियो कंपनीज, ठीक है, ये सिक्स जो वहां पे था लिखा हुआ, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट लिखा आ जाए या एक्सेप्ट लिखा आ जाए, वो अपने यहाँ पे एंटर कर देना, ठीक है। और जो हमने उसका फंड रेज जो वहां से देखा था वो हमने यहाँ पे पुट कर देना, 9 मिलियन, ठीक है। ये चीजें हमारी यहाँ पे
कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब सिर्फ जस्ट पर्सन रह गए हैं। ये चीज़ें सीरीज बी थी, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये चीज़ें नहीं आ रही थी, इनको हमने छोड़ देना है, ठीक है। ये हमारे पास 37 इम्प्लॉय हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं अभी। ये लिंक्डइन आपके पास अच्छा चलना चाहिए, नेट की स्पीड होगी तो जल्दी से ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये आपने एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है, पोलो किंडो ये दो, और क्लियर बिट। इसकी डोमेन उठाकर क्लियर बिट से भी हम इसके पर्सन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बिट में अगर, क्लियर बिट की अगर आपको ना समझ हो तो वो मुझे बता देना, उसकी मैं आपको लिंक्स और वीडियो शेयर कर दूंगा बनाकर। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो ये देखो इस तरह से आपके पास आ जाएगा क्लियर बिट जो होगा। और सिंपल वहां से डोमेन कॉपी करनी है और यहाँ पे लाकर आपने इसको सिर्फ जस्ट डोमेन ही एंटर करनी है, ठीक है। ये आगे पीछे चीजें होंगी तो ये नहीं देगा, ठीक है। इसको हम बैक करते हैं, फिर से इसमें टच करते हैं। अगर इसके पास डाटा होगा तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय वगैरह शो करवा देगा, बड़ी कंपनी आ गई। तो ये देखो ये आ गया, ठीक है। इसका हमारे पास सीईओ आ गया, ये इसका नेम आ गया है, ये इसका टाइटल आ गया है, ठीक है। और ये और ये हमें इसकी मेल दे देगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमें यहाँ से मेल मिल जाएगी, ये हमें मेल मिल गई और यहीं से इसका लिंक्डइन हमें मिल गया, ठीक है। ये एक पर्सन का डाटा हमें कंप्लीटली यहाँ से मिल गया, ठीक है। ये लिंक्डइन आ जाएगा, ठीक है। ये पर्सन की मेल आ जाएगी, यहाँ पे पर्सन का टाइटल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट और उसका लास्ट नेम हमने पुट कर देना है, ठीक है सिंपल। और इसको हमने सेट कर देना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमने ओपन किया था किसी पर्सन को, ये केस का पर्सन, यहाँ से भी इसको अगर नेम लिखा आ रहा होगा तो आपने सिंपल क्लिक करके इसको नेक्स्ट टाइम में ओपन कर लेना है। लेकिन अगर बाई चांस लिंक्डइन मेंबर लिखा आ जाए यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसको कैसे ओपन करोगे। पहली बात तो आपको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से आपको दो पर्सन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हाँ ये आ रहा लिंक्डइन, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना और इसको सर्च गूगल फॉर कर लेना है, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा, ठीक है। ये हमने ओपन किया था तो हमारी कंपनी कौन सी थी, हमारी कंपनी थी ये वाली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, ये वाली। इसका इसके एक्सपीरियंस में जाके चेक करना ये कौन सा है, तो ये ऑपरेशन एनालिसिस है, ठीक है। इसका नेम आ जाएगा, इसकी मेल देख लेनी है, ये मना ये है पोलो अपोलो, ठीक है। इसके पास मेल आ गई है, ये इसका लिंक्डइन आ गया, नेम हमने कॉपी कर लिया इसका, ठीक है। ये हमारे दो पर्सन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। सिर्फ दो ही पर्सन हमने ऐड करने हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा लिंक्डइन आ गया और ये हमारी मेल आ गई और ये हमारा टाइटल, ये हमारा टाइटल आ गया और यहाँ पे पर्सन का नेम आ जाएगा, ये पर्सन का नेम आ गया। फर्स्ट और लास्ट हमने लहदा लहदा कर देने हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये शीट नंबर 5 के ऊपर लिंक्स पड़ा हुआ है लिस्ट का, यहाँ पे मैं लिस्ट का लिस्ट के लिंक पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जिसमें जितनी करनी होगी उसके मैं आगे नेम लिख देता हूँ, अगर किसी को ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो। बाकी इंशाल्लाह मेहनत करें तो जरूर आपको इसका बेनिफिट होगा।